हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे अपनी जिंदगी गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखने के बाद ही आपको समझ में आया कि वीडियो में क्या है और क्या नहीं है, क्या इससे आपको सीखने को मिला है। और दोस्तों, अगर आप इसके पहले का जितना भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस सारे वीडियो का हम लिंक जो है इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर के उस सभी वीडियो का एक्सेस कर लेंगे, ताकि आपको ये वीडियो जो है इस वीडियो का सारा कंटेंट्स अच्छे समझ में आए और इसके पीछे का भी सारा चीज समझ में आए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अभी क्लास 8 का जो है हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और हमें यहाँ से शुरू करना है, तो हम लोग उसी को आगे लेकर बढ़ेंगे। हाउ डू वी नो, What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? क्या चीज का इस्तेमाल करते थे वो इंडियन हिस्ट्री के 250 साल को जानने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते थे? तो चलिए, यहाँ पे हम लोग पहले रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। In 1946, the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy. Okay, ठीक है, आगे देखते हैं। Here is an example of the kind of report the Home Department got from the different dockyards. अच्छा, अलग अलग dockyards से उन्हें information मिला था कि यहाँ पर क्या हुआ, colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy. ठीक है, तो हुआ ये था कि वो लोग जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, तो हुआ क्या था कि 1946 में जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश म्यूटनी पे, म्यूटनी मतलब सैनिक विद्रोह एक प्रकार का हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए ये अलग अलग डॉक यार्ड पे ऐसा हो रहा था कि सैनिक विद्रोह पर आगे बॉम्बे में क्या हुआ था, किस तरीके से ये लेटर पत्र गया था, ये बहुत बड़ा है तो इसको पहले हम समझा देते हैं। बॉम्बे, अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। मतलब कहा गया कि ये लिख करके भेजा गया था अलग अलग डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट को ये चीज मिला था, अलग अलग डॉकयार्ड से मिला था कि जो है अरेंजमेंट किया गया है आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी के लिए बनाया गया है कि आर्मी शिप्स को ले ले और ये जो उथल पुथल मचा उसको ठीक करे। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर, अभी हार्बर पे वो नहीं पहुंचे। कराची में भी यही आया था, 301 mutineers आर अंडर अरेस्ट, पकड़े गए हैं और फ्यू मोर स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड, और जो कि बहुत ज्यादा सस्पेक्टेड है उन्हें भी अरेस्ट किया जाना है। ऑल एस्टेब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड, अब जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है सब मिलिट्री गार्ड के अंदर में आ जाएगा। विशाखापट्टनम वाइजैक पट्टनम कह सकते हैं, द पोजिशन कंप्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज अकर्ड, कोई भी हिंसा नहीं हुआ, मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स, मिलिट्री गार्ड्स लगा दिए गए एस्टेब्लिशमेंट्स, नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट दैट अ फ्यू मेन मे रिफ्यूज टू वर्क, कुछ लोग हैं जो मना कर देंगे काम करने को लेकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले के समय में रिपोर्ट कैसे भेजा जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, लिखना बहुत जरूरी है उनका ये मानना था। Every instructions, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. उनका ये मानना था कि सारा चीज जितना भी निर्देश है, प्लान है, पॉलिसी यानी नीति, अग्रीमेंट्स, ये सबको ना अच्छे से लिखा जाना चाहिए। Once this was done, एक बार ऐसा हो जाता है, things could be properly studied and debated. इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, इस पर बहस किया जा सकता है। This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. इससे क्या होगा कि एक administrative culture develop हो जाएगा, यानी कि सब चीज का report रहने लगेगा, है ना, note रहने लगेगा, तो बाद में कभी कुछ गड़बड़ होगा तो वहां से हम find out कर पाएंगे। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. जितने भी important यानी कि बहुत ही आवश्यक कागजात है उन्हें अच्छे से रखना चाहिए, बचा कर रखा जाना चाहिए। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, इसीलिए उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम बना रखा था, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन था उन सब में एक रिकॉर्ड रूम बना हुआ था। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्टरेट ऑफिस, कमिश्नर्स ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स ऑफिस, लॉ कोर्ट, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम, सबका अपना अपना एक रिकॉर्ड रूम होता है। अभी भी है दोस्तों, अभी भी हम लोग ब्रिटिश
कि जैसे ही रहते हैं ब्रिटिश का ही बनाया हुआ सिस्टम को फॉलो करते हैं। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट। अब कुछ अलग से भी बनाया गया जिसको आर्काइव्स कह सकते हैं या म्यूजियम्स, जिनमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स को रखा गया। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली इयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाया करता था लेटर्स और मेमो, कैश मेमो हो गया, कोई भी मेमो होता है पेपर टाइप का जिसपे कुछ इसका रिसीविंग हो या रिसीट होता है, तो ये रखा गया था। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स प्रिपेयर। आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं, रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर डीएम कलेक्टर हुआ करते थे ना वो प्रिपेयर करते हैं। और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव दैट वर सेंट बाय ऑफिसर्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। अगर कोई दिशा निर्देश भेजना है तो या डायरेक्टिव्स भेजना है बहुत ही टॉप लेवल के द्वारा, टॉप लेवल के ऑफिसर्स के द्वारा, तो ये इस तरीके से भेजा जाता था, ठीक है। इन द अर्ली इयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफीज। इन्हें बहुत अच्छे से कॉपी किया गया और कैलीग्राफीज में लिखा गया, दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। ये किनके द्वारा करवाया गया, जो ब्यूटीफुल राइटिंग में बिलीव करते थे, ये जो लिखते थे। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के प्रोसीडिंग के रूप में इसको रखा गया, मतलब बहुत सारे इसका प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज निकाला गया ताकि मतलब कोई कॉपी कहीं देना हो तो आराम से रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम 1920 में नेशनल आर्काइव बना था इंडिया का, ठीक है। When New Delhi was built, जब New Delhi बनाया गया, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceregal Palace, ठीक है? Viceregal Palace में के नजदीक ही कहा गया। This location reflect the importance this institution had in British imagination. ये institution British के imagination में था। अब देखते हैं आगे में क्या है। Surveys become important. The practice of surveying also became common under the colonial administration. अब सर्वे भी होने लगा, ये बड़ी आम चीज हो गया कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सर्वे बहुत आम हो गया। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। मतलब इस पर प्रशासनिक कार्यवाही या प्रशासनिक चीज लागू करने से पहले देश को अच्छे से समझना बुझना बहुत जरूरी है कि देश कैसा, कोई भी देश पर राज कर रहा था पहले उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to the map of the entire country. Survey हुआ map के map पर। In the villages, revenue surveys were conducted. Village में revenue surveys conduct हुआ। The effort was to note to topography and the soil quality, the flora and fauna, the local histories. इन सब के बारे में जानने के लिए किया जा रहा था। The soil quality, हाँ, and the क्रॉपिंग पैटर्न की खेती कैसे यहाँ पर होता है। ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन। ये सब चीज देखिए, तो आप इसे क्या सीखेंगे कि आपको भी किसी जगह पे राज करना है तो आपको पहले उन जगह के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में पता लगाना पड़ेगा। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस, यानी कि लोगों की गिनती की गई 10 साल में, दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। इससे क्या पता चल गया कि इंडिया के जितने प्रोविंसेस में कितने कितने लोग हैं। नथिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं था। नोटिंग, अच्छा सॉरी, नथिंग के जगह नोटिंग है। तो ये कास्ट के आधार पर, रिलीजन के, ऑक्यूपेशन के आधार पर सब सर्वे किया गया। There were many other surveys, botanical surveys, geological surveys, है ना, बोटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, ये सब भी किया गया। बोटनी और जूलॉजी होता है, बोटनी मतलब पेड़ पौधा के बारे में और जूलॉजी मतलब होता है जो जानवर वगैरह उसके बारे में। तो बोटानिकल सर्वे है, देख लीजिए आप यहाँ पे देख सकते, बोटानिकल गार्डन है, ये कस्टर्ड एप्पल है, इसके बारे में मतलब पता लगाया गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, यानी कि जो पुराने पुराने बिल्डिंग वगैरह है वो कैसा कैसा है। तो इन सब का सर्वे किया गया ताकि वो राज करने से पहले उनको इंडिया के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन पता। मुझे लगता है कि आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि 10 मिनट से ज्यादा वीडियो बने, और मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा कर करके खत्म हो जाना है, कितना पेज होगा और ज्यादा नहीं होगा, होगा भी तो देख लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं।